नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा आखन। आखन सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया इस संसार में हम लोगों को आठ मौका मिलता है, उसी आठ मौका ही बेकार है विमुक्ति को पाने का मौका। आठ प्रकार से छूट जाता है, नौ प्रकार हैं, नौ में से आठ हम लोग से छूट जाता है, एक सिर्फ मिल जाता है नौ कारण से। तो ऐसा आप लोग तो जानते हैं, हम लोग इस संसार में कब से आ रहे हैं कुछ पता नहीं है ना, अरबों साल पीछे देखेंगे तब भी हम लोग थे। और आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस संसार में अभी तक कौन नहीं बना है, स्त्री नहीं बना है, बने स्त्री बन गया, माँ माँ बन के कितना बच्चे पैदा किया होगा हम लोग, पुरुष बन गए, जानवर बन गए, प्रेत बन गए, अभी तक हम लोग चल रहा है ना, अभी तक हम लोग रुका नहीं है। क्यों रुका नहीं? क्योंकि हम लोग को रुकने के लिए आज तक रास्ता मिला नहीं। हम सबका मन बदमाश है, हम सभी लोग का मन गंदगी है। क्यों गंदगी? उतना हम लोग गंदगी संसार में आए हैं जन्म जन्म में, इसलिए हम लोग का मन गंदा है। तो देखिए एक मौका है, आप लोग एक भी जात नहीं, आप जन्म नहीं लिया है, हर एक जात में जन्म लिए, सुंदर बन गए, कुरूप बन गए, कितना मेरे ख्याल से लाखों ठन से ज्यादा खाया होगा पेखान प्रेत बन के, लाखों ठन से ज्यादा। हम लोग प्रेत बन के दूसरों को कितना ठन किया होगा, घर में घर के सामने आकर के हम लोग दूसरों को डराया होगा, बदलाव लिया होगा, हम लोग काला जादू किया होगा दूसरों को, कितना गाली दिया होगा हम लोग के हाथों से, कितना बार माँ मर गई होगी कह सकता है क्या? लाखों हमारे हाथों से अपना माँ मर गई होगी। वही गंदगी संसार अभी खत्म है, आपसे खत्म हो गया विक्रम, निर्भय खत्म हो गया संसार, अभी तक वही संसार है। संसार के बारे में आ रहे हैं तो मालूम है ना, ये संसार कैसा खतरनाक है, विष्णु को मालूम है, निर्भय विक्रम नीरज मालूम है, पूर्ण अस्त मालूम है, और तो आप लोग मन में आते नहीं ये बात, बहुत डेंजरस तो है ये, खतरनाक संसार से मुक्त होने का मौका मिल गया तो अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? ऐसा मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग इस धरती पे नहीं है, वो एक ही मार्ग आर्यष्टांगिक मार्ग, चाहे कोई धर्म के, कोई भी जात के, कोई भी देश के, कोई भी प्रकार के, कोई भी धरती के, कोई जो कोई हो, सबके लिए एक ही मार्ग है। तो सुनिए आखन सूत्र का आठ कारण क्या है, भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध जन्म लिया पवित्र ज्ञान की रास्ता बताते हैं, कौन बताते हैं? भगवान बुद्ध या उनका कोई शिष्य पवित्र ज्ञान की रास्ता बता रहे हैं, विमुक्ति का रास्ता
तीन समाधि प्रज्ञा के रास्ता बता रहे हैं। बताते समय हम लोग जन्म लिए हैं नरक में, धरती पे भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के शिष्य बनते लोग विमुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। हम लोग कहाँ है? नरक में। ये पहला मौका हम लोगों से छूटने वाले, इसका मतलब नरक में सबसे ज्यादा हम लोग जन्म कहाँ लेते हैं? नरक में और जानवर जन्म। जैसे कि भगवान ने एक उदाहरण दिया, आज नीरज आश्रम में आया, फिर कल संडे स्कूल खत्म होने पर घर जाएंगे ना, फिर कभी बोध गया जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर घर आएंगे। घर जैसा है नरक, कुछ समय के लिए मनुष्य लोक में आता है, आने के बाद लोग क्या करता है? शरीर से, मन से, वाणी से पुण्य नहीं करता है, गुस्सा मन से रहता है, लालची मन से रहता है, रागी मन से रहता है, रह के फिर चल जाता है अपना घर, कहाँ? नरक। फिर कुछ समय के लिए वो दुख सहन करते 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 फिर कुछ समय के लिए देवताओं के पास आता है नरक से बचकर, देवलोक में जाकर क्या मजा ऐश करते करते रहता है, सुख मिल रहा है, वो खत्म होने का फिर अपना घर पे। भगवान बुद्ध ने बताया हम लोगों का घर जैसा है नरक, सबसे ज्यादा हम लोग वहां जन्म लिए। हम लोग सर्वे सबसे ज्यादा रहे कहाँ? घर पे है ना। आर्य सबसे ज्यादा रहे घर पे, नीरज सबसे ज्यादा घर पे रह गए ना, अस्तो सबसे ज्यादा घर पे, वैसे ही हम लोग सबसे ज्यादा रह गए नरक में, आग के बीच में जलते जलते रह गए सबसे ज्यादा। ये पहला हम लोग से मौका छूटने वाला मौका पहला कारण। दूसरा है वैसे ही भगवान बुद्ध जन्म लेकर के उनका शिष्य या भगवान बुद्ध पवित्र ज्ञान की रास्ता बताते हैं, उसी रास्ता से मन पवित्र करके दुख से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये जन्म लिया है जानवर जन्म, कुत्ता बन गया, गाय या बिल्ली, ऐसा जानवर जन्म लेकर के रहता है, निर्वाण विमुक्ति प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग ये दोनों जगह में सबसे ज्यादा जन्म लिए, जानवर तथा नरक, ये दोनों जगह सबसे ज्यादा हम लोग चले गए। अतीत में भगवान बुद्ध एक नहीं बहुत जन्म लिए थे, बहुत समय, संसार का अंत नहीं है ना, ऐसा है ये धरती कुछ समय तक चलता है, धरती खत्म होता है, फिर धरती बन जाता है, धरती बनने तक और जन्म लेने का जगह है इस गैलेक्सी में, उसी जगह में हमने जन्म लेके उसी जगह के अनुसार जीवन बिताते हैं। एक एग्जांपल हम बता देंगे, अगर आप लोग के सामने कोई एलियंस आ गया तो कुरूप लगता है ना, एलियंस को हम लोग कुरूप लगता है, एलियंस को एलियंस कुरूप लगता है। एक एग्जांपल बता देंगे, आपका ये नाक यहाँ तक लंबा है, हर एक मानव का नाक यहाँ तक लंबा है, ठीक है, यहाँ तक लंबा है। अगर किसी का नाक इतना रह गया तो क्या हो जाएगा? लोग क्या कहेगा? ये तो लंगड़ा है, नाक भी कम से कम नहीं है इसका, ऐसा कहेंगे ना। हम लोग का कान ऐसा है, हम लोग का कान अगर सभी लोग का कान यहाँ तक लंबा हो गया तो यहाँ तक हमारे कान इतना हो गया तो लोग हंसेगा हम लोग, अरे छोटा कान देखो ना। हम लोगों को एक का रह गया था इधर, सिर्फ एक का, एक काम एक भाव, हर एक मानव के पास वही है। अगर किसी के पास दो आंख रह गया तो क्या कहेगा? अभी किसी के पास चार आंख आ गया तो क्या कहेगा? अजीब टाइप का आदमी है ना, क्यों? हम लोग जन्म से ही हम लोग का रूप हम लोग अपना आया है, इसका मतलब हम लोग दुनिया को देख के आदमी देख के पहचान गए यही है आदमी। एलियंस भी
एलियंस को देख करके बचपन से पहचान गए यही है आदमी, एक मान का विचार है। वैसा हम लोग दूसरा 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 ग्रह पे जन्म लिए हैं, जन्म लेते हैं, ये धरती खत्म होते समय फिर बांधते समय आते हैं, फिर दूसरा जगह जन्म लेते हैं। वैसा होते 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 आते आए हैं। वैसा संसार में भगवान बुद्ध लोग कितना जन्म लिए होंगे, उतना पहले कभी कभी हम लोग जानवर बन के सोच बंदर बन के फल खाते समय भगवान बुद्ध हम लोग को देखे होंगे, अरे जानवर देखिए खीरा, बहुत सारा खीरा है ना बल्ब बल्ब के पास। भगवान बुद्ध ने बताया एक दिन भगवान बुद्ध रास्ता पे जाते समय मुस्कुराए, आनंद बंते जी पूछा तथागत आप किसी लिए मुस्कुराए, आनंद कोटा का लाइन दिखाई दे रहा है जी तथागत, आनंद उससे पहला कोटा है ना 28 बार चक्रवर्ती राजा बन गया। फिर भगवान बुद्ध जैसा सुंदर 32 गुण है शरीर में, 28 बार धरती का राज, 28 बार धरती का राजा बन गया, मतलब ओबामा चक्रवर्ती राजा है नहीं, सम्राट अशोक भी चक्रवर्ती राजा नहीं है, चक्रवर्ती राजा मतलब बिना औजार से पूरा धरती को अपना हाथ में लेके रहते हैं, हाथ में लेके मतलब अपना अंदर में। वैसा 28 बार पहला कोटा, दूसरी कोटा 19 बार, ऐसे ऐसे करके बताया भगवान आनंद, इधर एक भी कोटा नहीं है धरती के चक्रवर्ती राजा नहीं बना जो देवताओं के पास नहीं गया अभी कोटा। एक एग्जांपल अगर हम लोग तुरंत धरती देखेंगे तो ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है उधर उधर उधर, फिर हम लोग उसका पिछले जन्म जन्म अगर देखेंगे तो शायद 10 जन्म के फिर मनुष्य लोक में हुआ होगा या देवताओं के पास हुआ होगा चीटी। अगर किसी को दूसरों को मन देखने का समाधि आ गया तो आप बंद करके देख सकते हैं चीटी 50 जन्म के पहले कहाँ थे, ऐसा थे, फिर वैसा पाप किया, फिर इसी कारण उसका जन्म लिया, फिर ऐसा जन्म, फिर ऐसा जन्म, फिर ऐसा जन्म करके बता देगा सब डिटेल। हम लोग भी चीटी थे, हम लोग भी मच्छर बन गए, हम लोग भी ऐसा कीड़ा बन के दिया के किनारे किनारे घूमते रह गए, जानवर बन के ये दूसरा मौका है विमुक्ति हम लोग से छूटने वाली। एक भी जानवर को भी देखिए, हम लोग ज्ञान की बात बता रहे हैं, ये आके छोटा छोटा प्राणी सुन रहे हैं क्या, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मच्छर आके भांति जी ध्यान करे, हाँ अभी बैठ के ध्यान करेंगे, मच्छर भी ध्यान करेगा, खून चूसेगा आराम से चूसेंगे, चुपचाप रहता है मच्छर, सोचता होगा हाँ सो हो गया है। ऐसा हम लोग जन्म लिए दूसरा मौका, तीसरा मौका है उसी प्रकार भगवान बुद्ध जन्म लिए, या भगवान बुद्ध शिष्य लोग ज्ञान की रास्ता बता रहे हैं, विमुक्ति का रास्ता, राग द्वेष मोह खत्म कर सकता है, उसी समय हम लोग जन्म लिए हैं प्रेतों के पास। प्रेतों के पास मतलब भूत प्रेत है ना, धूप में ककार काते काते खून चाट के, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर मारने का सड़ जाता है ना, उसको चाट चाट के हम लोग रह गए प्रेत बन के। ऐसा प्रेत जन्म में आने के बाद ज्ञान सुन सकता है क्या, नहीं सुन सकता है। आप लोग को थोड़ा नींद जैसा क्यों लग रहा है पता है, कम आराम होता है, काम ज्यादा करता है, काम करने में लिमिट होना चाहिए, बांट के करना चाहिए, काम ज्यादा करने से एक सप्ताह में एक बार तो ठीक है, लेकिन रोज रोज काम ज्यादा मत करे, नॉर्मल सभी लोग मिलकर कुछ काम करने फटाफट कर लिया, इसका थोड़ा आराम किया, फिर नींद का काम करना चाहिए, नहीं तो हमेशा ध्यान करने गया तो बोलते रहेगा ऐसे ऐसे करते। बहुत बात करने वाले लोगों को जल्दी नींद आता है,
और तीसरा मौका प्रेत जन्म में आ गया तो विमुक्ति छूट जाता है, तीन हो गया। चौथा है भगवान को जन्म लिया, या तो फिर भगवान बुद्ध शिष्य लोग उसी ज्ञान की रास्ता बता रहे हैं, उस समय वो धरती पे जन्म लिया मानव रूप में, दिमाग भी है, समझदारी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब वो ऊपर वाला सब करता है, हर एक धर्म सेम है, थोड़ा सा पाप किया तो गंगा नदी का पानी पीने का शुद्ध हो जाता है, मिथ्या दृष्टि है। हम लोग जो कुछ करेगा तो मरने का आत्मा परमात्मा सब मिल जाता है, सब वही खत्म हो जाएगा, अलग अलग प्रकार की दृष्टि। जहाँ चाहे कुछ भी हो जाए 84,000 जन्म लेना ही पड़ेगा, 84,000 जन्म लेने के बाद निर्वाण प्राप्त हो जाएगा अपने आप, मिथ्या दृष्टि। या तो फिर 84,00,000 जान और जन्म जान ही पड़ेगा तब विमुक्ति मिल जाएगा, मिथ्या दृष्टि। कई प्रकार की मिथ्या दृष्टि में फंस गया तो हम लोग ज्ञान की बात बताते समय ध्यान से अपना सकता है क्या? नहीं, क्या करेंगे? डिबेट करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे करके वो नहीं, ये सही है, वो गलत है, आप जो आपका बात गलत, मेरा बात सही है, ऐसा करके मिथ्या दृष्टि हो गया तो विमुक्ति प्राप्त कर पाएगा, छूट जाता है। अब कितना मौका छूट गया? चार। पांचवा है भगवान बुद्ध के धर्म धरती पे है, धरती पे रहते समय ये व्यक्ति धरती पे जन्म लिया, आंख कान नाक जीव शरीर मन छह इंद्रिया है, भगवान बुद्ध देख रहे हैं, भगवान बुद्ध से प्रवचन सुनता है, समझ में नहीं आता है, सुनता है सुनता है उठ के चल जाता है, वो हाफ मैन, समझता नहीं, पागल नहीं, पागल भी पागल जैसा, लेकिन पागल पागल लोग नहीं है ना। कोई कोई लोग देखिए, हम अच्छा से देखिए, कोई कोई मामी लोग, कोई कोई आदमी लोग हम लोग से बात करने आता है, हम लोग बोलता है बोलता है कुछ भी समझ में नहीं आता, हाँ करते, बाद में हम क्या बताए, नहीं समझ में आया, ऐसे बोलते हैं लोग। हम देखे कह के गांव गांव प्रवचन में जाने के बाद हम लोग लोगों को बताते हैं, बर्दाश्त करना, हिलाना नहीं, लोगों को बताते हैं ऐसा ऐसा है, ध्यान ऐसे करना है, ऐसा ज्ञान अपनाना है, आपको विस्तार करके बता के फिर पूछते हैं, मामी जी आपको समझ में आ गया क्या? वो ज्ञान के बारे में, हाँ वो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया है? अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या है? हाँ वो जो अच्छा है ना, जो समाज में अच्छा है वो अच्छा है, कुछ समझ में नहीं आता है। ध्यान करने के लिए क्या ध्यान करेंगे? आप बंद करके रहेंगे, क्या सोचेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। कितनों भी बोल दीजिए सुबह से रात तक बोल दीजिए, कुछ समझ नहीं आता है, हाफ मैड जैसा, समझदारी नहीं, बुद्धि नहीं है, आप बुद्धिहीन है। ऐसा जन्म मिला तो ये विमुक्ति का रास्ता पकड़ सकता है? नहीं, छूट जाता है। अब कितना मौका है? छूट गया, पांच हो गया। छठा है भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, या तो फिर भगवान बुद्ध शिष्य बनते लोग प्रवचन देते हैं, ज्ञान की रास्ता बताते हैं, उस रास्ता से निर्वाण की ओर जा सकता है, लेकिन ये जन्म लिया, बुद्धि भी है, सुन लिया तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दिमाग है, पागल नहीं, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन ये जन्म लिया प्रत्यंत एरिया में, प्रत्यंत मतलब जहाँ भगवान बुद्ध भी नहीं जाते हैं, भगवान बुद्ध शिष्य लोग भी नहीं जाते हैं, कोई भी ज्ञान की बात सुनाई नहीं देता, वैसा जगह पे जन्म लेते हैं, कहा अराबी,
मुस्लिम कंट्री में नहीं सुनाई देता है ना, और नाइजीरिया, इथियोपिया, उगांडा, सीरिया, इसराइल, वैसा कंट्री में भगवान बुद्ध की एक शब्द भी सुनाई नहीं देता है। आप लोग का देश में भी वैसे ही भगवान बुद्ध ज्ञान सुनाई देता है, इधर उधर सिर्फ यहाँ से सुनाई देता है। देखिए महाराष्ट्र के लोग आता है, करोड़ों लोग, बुद्धिस्ट लोग, एक शब्द भी नहीं जानता है। महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट लोग देखिए, उन लोग कहते हैं हम लोग बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन अगले जन्म विश्वास नहीं करता, पिछले जन्म विश्वास नहीं, देवता में विश्वास नहीं, नरक विश्वास नहीं, कुछ विश्वास नहीं करता है, युद्ध विश्वास करता, कुछ भी विश्वास नहीं करता है, ऐसे ही रहता है। भगवान बुद्ध धर्म एक बूंद नहीं जानते हैं। इसका मतलब भगवान बुद्ध की धर्म रहने का जगह पे जन्म लिए थे उन लोग? नहीं, आप लोग सिर्फ इंडिया में सिर्फ आप लोग सही जगह पे जन्म लिया है, बाकी कोई नहीं इंडिया में सही जगह पे जन्म हुआ। हर एक स्टेट में ऐसा नहीं, सही जगह पे जन्म होने चाहिए, दूसरा जगह पे ऐसे ही मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनने का मतलब नहीं, मंदिर तो हर जगह पे, ऐसे ज्ञान की रास्ता बताने वाले कोई कारुणिक दिन वाले कोई रहना चाहिए हर एक स्टेट में, तब उसी जगह पे वैसे हो जाएगा। इसका मतलब चट्टाकार मतलब क्या बताएं, सब कुछ है लेकिन कहाँ जन्म लिया है वो, यहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की धर्म मात्र भी सुनाई नहीं देता है, एक बूंदा भी नहीं, वहां जन्म लेके रहता है। समझ गए? इसके बाद अभी कितना बताए, छह बताए ना, सातवां कहाँ से बता दें, एक ब्राह्मण लोक है ना। भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं, ये जा करके जन्म लिया है असंज थल में, असंज ब्रह्मलोक में। असंज ब्रह्मलोक मतलब एकदम सोया जैसा, कुछ पता नहीं, अनगिनत साल है, अनगिनत साल तक ऐसे रहता है, कुछ पता नहीं, उम्र खत्म होने का, फिर कहीं जा करके जानवर या कोई कहीं कीड़ा या कोई मनुष्य लोक में शायद आ सकता है। कैसे हो जाता है, ध्यान करते हैं, खास करके ऋषि ऋषि लोग है ना हिमालय, ऋषि लोग वही जगह पे जाते हैं। कैसे ऋषि लोग ध्यान करते, कैसे निर्भय जैसा नहीं, सौर जैसा भी नहीं, आप लोग झुकनी मारते है ना, उन लोग झुकनी नहीं मारते हैं, ऐसे बैठ के ध्यान बैठ के सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी विचार आने नहीं देता, आने वाले विचार भी भूल जाता है, शरीर का दर्द सब भूल जाता है, क्या कुछ नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता है, मन के बारे में भी नहीं, शरीर के बारे में नहीं, कुछ कारण नहीं है, एकदम ऐसे ही रहता है बैठ के। ऐसे रहने से आदत आ जाता है, उसी को असंज ध्यान कहते हैं। समाधि आता है, समाधि में सुख मिलता है, सुख में भी ध्यान नहीं देता है, कुछ में भी नहीं, एकदम ऐसे रहता है। हिमालय ऋषि लोग ऐसे उसी प्रकार ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा ध्यान करके असंज ब्राह्मणों में जन्म लेते कोई मतलब नहीं, सो गया जैसा, वहां जन्म लिया था भी धर्म सुनाई नहीं देता है, मर गया जैसा है। उससे नीचे सबसे ऊपर ब्राह्मण अखनिष्ठ, अखनिष्ठ ब्राह्मण लोग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। सबसे नीचा जगह मनुष्य लोग, मनुष्य जन्म से नीचे भी नहीं, मनुष्य सबसे नीचे, सबसे ऊंचा अखनिष्ठ ब्राह्मण लोग, उसके बीच में 15 ब्राह्मण लोग के, 6 देवलोक के, 1 मनुष्य लोग है। नाग लोग को भी नहीं, नागों को भी नहीं, 15, 6, 21, 21, 1, 22, 22 जगह पे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उससे अलावा और भी जगह नहीं है। 15 ब्राह्मण लोग, 6 देवलोक और मनुष्य लोग। अभी कितना बताए, 7, 7 आठवां है। बहुत विद्वान, दिमाग वाला, चातुर, सुनने का देर से तुरंत ज्ञान प्राप्त करने वाले, दिमाग बुद्धि वाले व्यक्ति धरती पे उत्पन्न हुआ। नरक में भी नहीं वो,
जानवर जन्म में भी नहीं, प्रेतों के पास में भी नहीं, और मिथ्या दृष्टि भी नहीं, और कुछ भी सुन बताया तो सब तुरंत पकड़ लेगा ज्ञान, तथा पागल भी नहीं, और अच्छा जगह पे जन्म लिया है, और ब्राह्मण अकनिष्ठ यानी असान्य ब्राह्मण लोक में भी नहीं, ये अच्छा कुछ ये कुछ भी नहीं, अच्छा जगह पे भगवान को धर्म बताने का तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन लेकिन भगवान बुद्ध की जन्म नहीं, बुद्ध शासन नहीं, भगवान बुद्ध की मार्ग बताने वाले एक भी व्यक्ति नहीं, ये अनित्य बोलने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ पंचशील के बारे में बोलते रहेगा सभी लोग, धर्म जानता नहीं, कोई भी नहीं जानता है धर्म, सभी लोग सिर्फ जानता है पुण्य के बारे में, दान देने के बारे में, उससे आगे विमुक्ति के बारे में एक शब्द नहीं जानता है, वो ऐसा जगह पे जन्म लिया, लेकिन बुद्धि बहुत है, कृपा है ज्ञान प्राप्त नहीं। आठ कारण है हम लोग से संसार में सबसे ज्यादा यही आठ दिखाई देता है, भगवान बुद्ध हमेशा धरती पे नहीं। एक एग्जांपल हम आपको बता देंगे, अभी लास्ट 100 कल्प में 7 भगवान बुद्ध जन्म लिया, लास्ट 100 कल्प में, 100 कल्प मतलब एक कल्प के लिए उदाहरण किसको याद है? विष्णु बताइए सबको, धीरे धीरे बताओ ना, बता 7 किलोमीटर एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक चौला भी है, ऊंचा भी है, काला पत्थर है, चौला ऊंचा है, सब तरफ से 7 किलोमीटर। एक आदमी बहुत रुमाल मुलायम रुमाल से 100 साल में उसको एक बार पोछ देता है, तो उसको पत्थर को खत्म होने के लिए जितना समय जाएगा उससे भी ज्यादा है। गलत से बता रहा है, एक पत्थर है, एक सिस्टम बताना, यही एक पत्थर है, वो पत्थर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 किलोमीटर का है, ऊंचा का कोना दिखाई देता है 7 किलोमीटर है, लंबा दिखाई देता है नहीं, 7 किलोमीटर बहुत बड़ा काला पत्थर। एक मुलायम रुमाल लेकर के एक आदमी उसी पत्थर पे चढ़ गया, चढ़कर 100 साल जाने के बाद ऐसे करके पोछ दिया, डस्ट पोछना जैसा ऐसे करके, रुमाल से पोछने के कारण ही सिर्फ रुमाल से पोछने के कारण ही वो पत्थर धरती तक खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा, पहुंचने के कारण ऐसे खत्म होते खत्म होते खत्म होते खत्म होते खत्म होते खत्म होते, जैसे कि हम लोग जाते जाते थोड़ा थोड़ा क्या होता है, खत्म होता है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा, वो कितना साल में एक बार, 100 साल में एक बार, वो भी रुमाल से दस पहुंचना जैसा, एक इंच कम होने के लिए कितना समय लगेगा, अरबों समय है ना, अरबों साल लगेगा, तो धरती तक खत्म होने के लिए सोच नहीं सकता है ना, भगवान बुद्ध ने बताया धरती तक खत्म होने के लिए जितना समय लगेगा उससे भी ज्यादा समय लगता है एक कल्प के लिए, समझ गए, एक कल्प अभी समझ गए, एक कल्प मतलब कितना सोच सकता है क्या, लेकिन एक काल में हम लोग कितना बार जन्म लेते होंगे, अनगिनत बार, तो सोचिए ये अंतिम लास्ट 100 कल्प में सिर्फ 7 भगवान बुद्ध जन्म लिए, इसका मतलब भगवान बुद्ध जन्म लेना दुर्लभ है या तो फिर हमेशा होते रहता है, अतिशय सोच भी नहीं सकता, अतिशय दुर्लभ है। जब भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेता है उसी समय का नाम होता है अबुद्धोत्पाद काल, अबुद्धोत्पाद काल, बुद्धोत्पाद काल मतलब भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध ज्ञान है धरती पे,
अभी कौन सा काल है? बुद्धोत्पाद काल। हमेशा रहता है कौन सा काल? अबुद्धोत्पाद काल। देखिए गौतम भगवान बुद्ध के धर्म कितना समय तक? 2500 साल और 500 साल तक रहेगा। पाप बढ़ने के साथ साथ ये धर्म खत्म हो जाता है, इसका मिथ्या दृष्टि आगे बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम 3000 साल तक धर्म आ गया खत्म। फिर और एक भगवान जन्म लेने के लाखों करोड़ों साल इंतजार करना पड़ेगा, तब तक क्या करते रहेगा हम लोग? इसीलिए एक ही मौका है। वो एक मौका क्या है? भगवान बुद्ध की धर्म सुनाई देता है, गंदगी को मिटाने वाली पवित्र ज्ञान सुनाई देता है धरती पर। उसी समय हम लोग नरक में भी नहीं, जानवर भी नहीं, प्रेतों के पास भी नहीं, और मंद बुद्धि बुद्धिहीन नहीं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं, और हम लोग जहाँ भगवान बुद्धि की ज्ञान सुनाई देते वहाँ हम लोग का जन्म हुआ है, होता है। इसके बाद असंज ताल में है क्या? असंज ताल में भी नहीं। और क्या बताए? नरक। हाँ, अबुद्धोत्पाद समय में भी नहीं। हम लोग सही समय पे जन्म लिया, धर्म सुनाई देता है, ज्ञान से मनन करके मनन करके मनन करके उस ज्ञान को समझने का हिम्मत हम लोग के पास है थोड़ा थोड़ा। ये मौका को कहता है चन संपत्ति। आर्यन को भी चन संपत्ति मिला, सर्वेश को भी चन संपत्ति मिला, निर्भय को भी चन संपत्ति मिला, सौरव को भी चन संपत्ति मिला, लगता है विक्रम को भी चन संपत्ति मिला, नीरज को भी चन संपत्ति मिला, तीसरा को भी चन संपत्ति मिला, पुण्य को भी मिला, आशुतोष को भी मिला, विष्णु को भी मिला, लगता है रवि को भी मिला, यशवंते जी को भी मिला, सचिन को मिला, हमको भी मिला। लेकिन खतरनाक बात क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया चन संपत्ति मिलने के बाद चन संपत्ति छूटने का संभावना ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग धर्म की रास्ता से हटने का संभावना 100 में 99 नहीं नहीं उतना नहीं 75% है। धर्म की सुरक्षा होने का संभावना 25%। जल्दी धर्म की रास्ता से हट सकता है, क्यों? क्योंकि हम लोग का मन मौलिक स्वभाव से रियलिटी में हम लोग का मन गंदा है। धर्म तो क्या करते है? मन को पवित्र करता है, प्योरिफाइंग करता है। पवित्र करने के लिए हम लोग प्रयास करना पड़ेगा, बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, सीम सुरक्षा करना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा, कल्याण मित्र साथ रहना पड़ेगा। मुश्किल है आसान है? मुश्किल। कोई लैपटॉप कंप्यूटर ले करके या तो फिर कोई बगीचा में घूम के या तो फिर कोई आईफोन लेकर के आराम से टिप टाप करके गाना सुनते रहना आसान है, बहुत आसान। सुबह से लेकर रात तक फिल्म देखते रहेंगे तो बहुत आसान, पता नहीं दिन खत्म होता है, पता भी नहीं चलता है। और सोने का मौका आ गया तो बहुत मजा आता है ना? क्यों ऐसा चीज से मजा क्यों आता है? हम लोग का मन मौलिक रूप से गंदगी है, तो पवित्र करना है तो हम लोग कैसे करना पड़ेगा? जबरदस्त करना पड़ेगा ना, परेशान है मन पवित्र करने। अगर मन पवित्र हो गया तो चिन्ह संपत्ति सुरक्षा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि समाज में आप लोग का घर में घर आप लोग का अपना घर देखिए, आप लोग अपना घर पे सील के बारे में, समाधि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में मम्मी पापा लोग बात करते रहता है। अरे देखो बेटा
संसार बहुत खतरनाक है, नरक की जाना नरक में कभी भी जा सकता है, इसीलिए इसी जीवन में विमुक्ति को प्राप्त करने की तुम कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। कोई भी मम्मी पापा कहता है नहीं, आप लोग का घर का स्वभाव ऐसा है तो ये चन संपत्ति छूटने का संभावना ज्यादा है। ये मनुष्य जीवन कुछ समय तक है, और कुछ साल मात्र 15-20-25-30 साल के बाद खत्म, 30 साल ऐसे खत्म हो जाता है। देखिए संडे तो स्टार्ट हो गया 2007 में, अभी 5 साल बीत गया, पता चला है आप लोग भी बड़ा हो गया, छोटे छोटे था पहले। ये सौरू इतना मतलब खड़ा होने के बाद हम इतना करेंगे तो इतना था, नीरज इतना था, थोड़ा छोटा था, विष्णु है ही नहीं था। यहाँ के माँ थोड़ा आ गया है, पूर्ण दिखाई नहीं दिया, क्लास में बैठ के रहे सिर्फ सीधे दिखाई देता है। आप लोग बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया मतलब जल्दी जल्दी उम्र खत्म होता है, हर एक एक सेकंड ठक 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 करके कहा हम लोग लेके जा रहा है मृत्यु के पास। हर एक सेकंड में हम लोगों का जीने का मौका छूट रहा है, हर एक सेकंड में। आज सुबह आप लोग यहाँ आए, खत्म हो गया, और एक दिन जीने के लिए एक दिन था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। कल संडे स्कूल, पता नहीं चल संडे स्कूल खत्म हो जाएगा, और एक दिन खत्म हो गया जीने के लिए था, वो आप लोग से और एक दिन छूट गया। समझ लीजिए आप लोग गंदगी मन से पाप करते करते पाप ही मन से रह जाएंगे तो सेकंड में अपना जीवन में पाप जमा हो जाता है, अंत में गंदगी के साथ मर जाना पड़ता है, पाप का मरने का नरक में जाएगा, जानवरों के पास जाएगा, प्रेतों के पास, फिर संसार में। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कल्याण मित्र साथ रहने के लिए, कल्याण मित्र का आज्ञा पालन करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग पढ़ाई करना चाहिए, उससे भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए हम लोग अपना मन को बचाने के लिए। समझ गया ना? आप लोगों को देखिए अभी सेल्सियस डिग्री होगा 35-36 सेल्सियस डिग्री बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बाबा हिलाता है, ऐसे करता है नरक में आग के बीच में रहना पड़ता है, 1000 सेल्सियस फूकेंगे तो वो फूक भी गिर जाता है आग नरक में। नरक में आग के सामने गर्म पानी है ना, बॉईल करता है, उसके बैठ के रहना आराम, फ्रीज पानी है नरक के आग के सामने, फ्रीज पानी जैसा है। और एक नरक है लोक आंतरिक नरक, वो पूरा अंधेरा है, उसी नरक में सिर्फ बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, लांटे वहां जन्म लेता है जाके, इतना ठंडा बर्फ के बीच में, इतना ठंडा कि जम जाता है, याद ही मनाली जाके इसको बेचारा जाने का मन, पूरा इधर पहन उधर पहन के कान को घुसा के नाकिया बंद करके आंखिया बांध के थोड़ा सा देना रहा है, कहा जा रहा है सब खुला, लांटे रहना पड़ेगा उसी नर, वो भी कैसे शरीर काटता है हमेशा, ठंडा जम जाएगा, खून निकालने करेगा। कभी भी नरक को मजाक मत उड़ाना, मजाक नहीं उड़ा रहे मतलब। रियलिटी में हम लोग जाने का जगह वही है, मजाक नहीं कर रहे तुम, रवि को समझ में आ जाएगा जिसको मजा आ रहा है, जाएंगे तो फिर याद आएंगे, खून नहीं निकलेगा, सिर्फ विश्वास करना है।
क्योंकि आप लोग का पूरे पूरे भारत में रहने वाले लोगों में से आप लोग के पास पुण्य है ज्ञान को सुनने का, बाकी लोग के पास पुण्य नहीं। बहुत लोग चाहते हैं ये ज्ञान सुनना, 5 करोड़ लोग चाहते हैं भारत में ये ज्ञान सुनना, 30 लाख लोग, 120 करोड़ है, 30 लाख लोग चाहते हैं ये ज्ञान सुनना भारत में, इसलिए घर द्वार छोड़ के ऋषि बन के रहते हैं जंगल पे, लेकिन एक भी ऋषि को ये ज्ञान सुनाई नहीं देते। इसलिए ऋषि लोग क्या करते पता है, योगा करता है, शरीर को दुख देता है, ओ हम जो पहले बता सांझ ध्यान करता रहता है, गांजा पीता रहता है, खाता, लेकिन आप लोग सबसे पुण्यवान है ना, आप लोग को ये ज्ञान सुनाई देता है। सुनाई देते समय आप लोग हल्का जैसा कभी मत समझ लीजिए इस ज्ञान को, बचने के लिए कोशिश करिए, बचने के लिए। झोपड़ी में भिखारी बांध के भीख मांग मांग के रास्ता पे सो गया था बिचारेगा, अगर ज्ञान की रास्ता पे जाएंगे तो फिर भी कितना समय दुख सहन करना पड़ेगा भिखारी को, मात्र 50 साल, फिर भिखारी खत्म सब। देखिए अभी कुछ समय पहले मर गया अक्षय खन्ना, राजेश खन्ना है ना, राजेश खन्ना मर गया। राजेश खन्ना आप लोग जवान का फोटो देखे हैं, देवता हो, देवता जैसा खूबसूरत ब्यूटीफुल, अंतिम समय का फोटो एकदम भूत है ऐसे, मात्र 55 साल, भूत जैसा जा नहीं सकता है, ऐसे लगता है कठपुतला है, अंतिम समय में से रह गया, डांट लगा, उन लोग हमको सेवा नहीं करता है, मन पवित्र करने का मौका नहीं मिला, लेकिन पूरा दुनिया मानता है। अभी वो राजेश खन्ना का नाम से पिलर बना दिया, स्मारक बना दिया, बगीचा बना दिया, मूर्ति बना दिया, लेकिन आज भी नरक में पूजा भी करता है, कमाल है ना। हम लोग तो उतना नहीं है, हम लोग का हालत कैसे हो जाएगा, इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिए ये सुंदर मौका से लाभ उठाने के लिए। उसके लिए कल्याण मित्र साथ रहिए, कल्याण मित्र की बात को मानिए, आज्ञाकारी बनिए, और कोशिश करके हमेशा हर क्षण में मन पवित्र करके रहने के लिए कोशिश करिए। उसके लिए बहुत अच्छा है, नीच विचार मन में नहीं आना चाहिए, जैसे कि हम इधर से जाते हैं, सोचिए निर्भय, यहाँ वहां से आ रहे निर्भय, निर्भय का मन में कुछ दूसरा विचार है, सोचिए कोई निर्भय सोच रहा है, किताब के बारे में सोच के आ रहा है, हम जा रहे हैं सामने, हम हंस लिया निर्भय को देख के, निर्भय मुस्कुराए नहीं, क्यों, निर्भय का दिमाग और कुछ है, हमको नहीं देखे, ऐसे होता है ना, फिर हमारे मन में नीच विचार उत्पन्न होता है, देखो हमको देखे हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, आपका कुछ ना कुछ मेरे बारे में पता चला, या तो फिर मुझसे कोई गलती हो गया क्या, बहुत नीच है, थोड़ा मुस्कुराने में क्या तकलीफ, नीच विचार करते करते हम लोग जा रहे हैं, अंत में निर्भय को पता तक नहीं, दुश्मन बन गया, ऐसे होता है, भगवान बुद्ध के समय में भी हुआ, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, वर्तमान में भी ऐसे होता है। उसी प्रकार कैसे अगर आप लोगों इधर आश्रम में आप लोग रहते समय आप लोग से कोई बात नहीं किया तो तुरंत सोचिए, हमेशा पवित्र मन से रहिए, नाराज को नहीं मत दीजिए मन को, सोचिए अनित्य है, अगर असलियत में ये मेरे साथ नाराज है तो वो भी अनित्य है, कुछ भी सदाकालिक नहीं है, आप हमेशा आश्रम में रहते समय अपना घर जैसे समझ के रहिए, अपना घर में रहने के लिए इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए वो करने के लिए करने के लिए पूछना जरूरत नहीं है, आराम से रह सकता है, चाहे तो आम के पेड़ के नीचे, लेकिन आश्रम घर का फर्क है, घर घर पे फालतू बात कर सकता है आश्रम पे नहीं, घर पे पाप कर सकता है आश्रम में नहीं,
हर एक लोग मित्र भाव से रहना चाहिए। विक्रम सौरव को देखिए, मित्र भाव से, मित्र भाव अलग प्यार अलग है। मित्र भाव में राग नहीं आना चाहिए, हाथ पकड़ के वो मित्र भाव आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगा जल्दी। मित्र भाव मतलब किसी के ऊपर आप लोग गलत नहीं सोचना चाहिए, मैत्री मंत्र रहने के लिए कोशिश करिए। तो आप सभी लोगों को ये उत्तम क्षण संपत्ति को बिना त्याग कर सभी दुखों से क्षण संपत्ति का फायदा उठाने का भाग्य सबको मिल जाए। साथ, 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 साथ।